किस साल में, कौन साल में आपने ये जलाया था आरएसएस का झंडा, और ये पूरा प्रदर्शन का सिस्टम आपके मन में कैसे आया? 1978 में जब चौधरी चरण सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस माध्यम से इंदिरा गांधी को जो अरेस्ट किया गया था, वो अरेस्ट करने में ये संघ वालों का भी उनके साथ में साथ था, उनका गठबंधन था, और ये जनता दल में वो सब लोग थे, क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी नहीं है, आरएसएस का एक उसका भाग है। आरएसएस के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का वो सवाल ही नहीं आता। उनका जो सिस्टम है काम करने का, वो काम का सिस्टम हमको सबको मालूम है, और ज़्यादातर वो जातिवादी संगठन है, और उनका सबसे बड़ा एजेंडा यानी मुस्लिम विरोधी एजेंडा है। अभी जो कुछ दिनों पहले मोहन भागवत जी मस्जिद में गए थे, कोई मुस्लिम जो लोग हैं मौलाना से मिले, ये सब उनका नाटक है। आपने कब जलाया था उसे झंडे वंडे? 1978 में इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने के बाद में हमने उनके संघ जहाँ पे भरते हैं हर एरिया के अंदर में, उस एरिया से बरोबर टाइमिंग से 25 से 30 झंडे जो है हमने कब्जे में लेके जला दिए थे। व्यक्ति हमारे साथ जिनकी उम्र 70 साल है और नागपुर से आते हैं, और नागपुर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 18 से आते हैं, जहां पर नागपुर में आरएसएस का कार्यालय मौजूद है, और वहां पर जो है कह सकते हैं कि मोहन भागवत भी इन्हीं के बूथ पर वोट करते हैं, और साल 1978-1977 के बीच इन्होंने तकरीबन 20 से ज़्यादा जो झंडे हैं वो आरएसएस के सड़कों पर जला दिए थे, और पुराने कांग्रेसी है, कई मर्तबा के पार्षद रहे हुए हैं, और लगातार इस पूरे यात्रा में चल रहे, तो कई दिनों से कोशिश कर रहे थे कि इनसे बातचीत करें। इनका नाम बाबा शेलके जी है। तो बाबा जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस यात्रा को 60 दिन हो गए, तो इस यात्रा में क्या कुछ आपको नया लग रहा है, क्योंकि आप पुराने कांग्रेसी हैं? यात्रा में जो कुछ है, जो लग रहा है, इसमें एक कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिल रही है। ख़ास तौर पे राहुल गांधी का इसलिए अभिनंदन ये करना चाहिए कि इन्होंने इतना बड़ा जो डिसीजन लिया है, और खुद पैदल चल के अपना खून पसीना एक करके जो पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनका बहुत ही बहुत उनको आभार मानना चाहिए कि जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में एसी सिस्टम चालू हो गया था, गाड़ी मुँह से हाय वो हलो करना चालू हो गया था, कार्यकर्ताओं के पीठ पे हाथ घुमाना बंद हो गया था, नेता अपना ही सब कुछ देख रहे थे, तो इसलिए राहुल जी जो रास्ते पे चल रहे हैं, और रास्ते पे चलते हुए आज तक राहुल जी चार दीवारों के अंदर रहते थे, और नेताओं का जो कुछ है गठबंधन है, उनका आजू बाजू के लोग है, उन्हीं के कहने के मुताबिक बोलो या उनको मालूम नहीं गिरती पड़ती थी, लेकिन अभी रास्ते से चलते हुए जिस तरीके से लोग उनको मिल रहे हैं, इसमें से एक नया कांग्रेस का कल्चर चालू होगा, और कार्यकर्ताओं की कदर होना चालू होंगी, जो कि कार्यकर्ता दबा हुआ था। कार्यकर्ता ये नेता के पास पहुँच ही नहीं सकता था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जमाने तक हर महीने में एक दिन ऐसा जनता दरबार भरता था, जिसमें कि 200-300 कार्यकर्ता पूरे देश में से आके उनके कानों पे कुछ खबर देते थे या उनको कुछ निवेदन देते थे। इस वजह से इस तरीके का जो काम है बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कितने बार पार्षद रहे नागपुर से? मैं 1980 से लेकर 98 तक एक पार्षद रहा है, और 1978 में जब इंदिरा जी चिकमंगलूर से चुनाव में खड़ी थी, तो उस वक्त वो चुनाव कैंपेन में मैं 13 दिन तक के उनके कैंपेन में था। उस वक्त बूटा सिंह जी थे, वसंतराव साठे भी थे, और एक यूपी के टिकम सिंह जी चौधरी जो थे, ऊँचे पूरे 6.5 फुट हाइट के, उनके साथ में उनके गाड़ी में मुझे कैंपेन के लिए। और आपके कांग्रेसी में आपको क्या फर्क महसूस होता है? आप अपने जमाने में आरएसएस से लड़े, आप उसी वार्ड से आते जहां पे आरएसएस का कार्यालय, और आज के जमाने में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती आरएसएस से लड़ना हो, क्योंकि बीजेपी है मगर पीछे जो काम कर रहा है वो आरएसएस है। पुराने कांग्रेसी में और अभी के कांग्रेसी के कल्चर में बहुत फर्क है, क्योंकि अभी पदयात्रा में भी जो देख रहे हैं, तो पदयात्रा में भी जो 150 दिन का जो समय मिल रहा है, उस समय के अंदर उनको जो प्रबोधन होना चाहिए,
उनको जो काम करने का सिस्टम जो बताना चाहिए, ये वाली चीज़ मुझे दिख नहीं रही है, जिसके वजह से कार्यकर्ता तैयार हो सकता है, जिसके वजह से काम कैसा करना चाहिए, अपन चुनाव के वक्त बूथ में काम कैसा करना चाहिए, होटल को कैसा होटिंग के वहाँ मतदान केंद्र में ले जाना चाहिए, उस तरीके से उसके बाद में अपन सवेरे से शाम तक जो कुछ काम करते हैं, अपना काम धंधा करके अपनी नौकरी करने के बाद में भी रोज़ सुबह 6:30-7 बजे से लेके अपने एरिया के अंदर 5-25 लोगों को गेट टुगेदर करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। ये जो सिस्टम है, ये सब ये पदयात्रा के समय इसमें 150 दिन तक जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, पदयात्री है, उनको इस तरीके का एजुकेट करना चाहिए, जिसमें कि जन जागृति भी होंगी और कार्यकर्ता को ट्रेनिंग भी मिलेगा। मोहन भागवत, आप ही के बूथ पे वोट डालते हैं। मोहन भागवत जी का जो हेडक्वार्टर है यानी आरएसएस का, ये आरएसएस का हेडक्वार्टर हमारे बिल्कुल एरिया में से जो प्रभाग है 18 नंबर का, उसी प्रभाग में है, महल एरिया में, जो पुराना भोसले कालीन जो एरिया है उसी एरिया में है। और उनको भी जो कार्यालय जो दिया हुआ था, एक साळुबाई मोहिते जो है मराठा जो थी, उसने वो बाड़ा उनको डोनेट किया हुआ था, वो राजघराने से ही थे। तो आपके वार्ड में तो कभी आरएसएस के कार्यालय के बाहर आपने कितना मरतबा प्रदर्शन किया? आरएसएस के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का वो सवाल ही नहीं आता, उनका जो सिस्टम है काम करने का, वो काम का सिस्टम हमको सबको मालूम है, और ज़्यादातर वो जातिवादी संगठन है, और उनका सबसे बड़ा एजेंडा यानी मुस्लिम विरोधी एजेंडा है। अभी जो कुछ दिनों पहले मोहन भागवत जी मस्जिद में गए थे, कोई मुस्लिम जो लोग हैं मौलाना से मिले, ये सब उनका नाटक है, ये सिर्फ उनको बहलाने के लिए है। जो कि अभी राहुल गांधी जिस तरीके से पैदल निकले हुए हैं, और पैदल निकलने में जिस तरीके से जनमानस उनके साथ में जुड़ रहा है, इस वजह से उन्होंने एक नाटक चालू कर दिए थे मोहन भागवत जी ने। आपने किस साल में, कौन साल में आपने ये जलाया था आरएसएस का झंडा, और ये पूरा प्रदर्शन का सिस्टम आपके मन में कैसे आया? 1978 में जब चौधरी चरण सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस माध्यम से इंदिरा गांधी को जो अरेस्ट किया गया था, वो अरेस्ट करने में ये संघ वालों का भी उनके साथ में साथ था, उनका गठबंधन था, और ये जनता दल में वो सब लोग थे, क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी नहीं है, आरएसएस का एक उसका भाग है। इस तरीके से कई है, हिंदू वाहिनी है, विश्व हिंदू परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, इस तरीके की कई शाखा है, महिला वाहिनी है, तो उसमें का ये इस तरीके का एक भारतीय जनता पार्टी पार्ट है। अब ये राजनीतिक पार्ट है, ये राजनीतिक पार्ट जब मालूम पड़ा कब, जब ये भारतीय जनता पार्टी और ये लोग जब सत्ता में आए, तब उनका जो मुखड़ा है वो सामने आया हुआ है। आपने कब जलाया था उसे झंडे वंडे? 1978 में इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने के बाद में हमने उनके संग जहाँ पे भरते हैं हर एरिया के अंदर में, उस एरिया से बरोबर टाइमिंग से 25 से 30 झंडे जो है हमने कब्जे में लेके जला दिए थे। उसके बाद अरेस्टिंग हुई? अरेस्ट होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि उनको मिले ही नहीं, हम भूमिगत रहे 1.5 महीना तक, उसकी वजह से अरेस्ट होने का सवाल ही नहीं आता। आरएसएस से लड़ना अब पॉसिबल है, मुमकिन है? आरएसएस से जरूर कांग्रेसियों ने लड़ना चाहिए, इस देश में सर्वधर्म समभाव यदि रखना है तो कांग्रेस का ये परम कर्तव्य है कि आरएसएस सरी की जो संगठन है उनको उनके साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि उस वक्त लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि अभी इसको बंदी लाना चाहिए करके। अब यात्रा खत्म हो रही, क्या 24 में है बदलाव कांग्रेस की आय समीकरण? इस तरीके का समीकरण पदयात्रा करने से और ये करने से नहीं होता है। पदयात्रा करने के बाद में भी जिस तरीके से राहुल जी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पैदल जा रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस के निष्ठावान जो विधायक है, जो भी महानगर पालिका में सदस्य रहना चाहते हैं, जो भी सांसद बनना चाहते हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने कस्बे में
अपने अपने एरिया में इसी तरीके से पदयात्रा निकाल के जन जागृति करना चाहिए और लोगों का काम करना चाहिए। लोगों के काम यदि करते रहोगे तो आपको सब लोग पार्टी को मान्यता देंगे, पार्टी को वोट मतदान करेंगे और पार्टी को सत्ता में लाएंगे। तो लगातार बातचीत हो रही थी बाबा शेल के, साल 1978 था जब इन्होंने आरएसएस के झंडे जलाए। आरएसएस जो है कह सकते हैं कि 18 साल तक इनके इनके वार्ड में जो है आरएसएस का कार्यालय है। 18 साल तक ये वहाँ पर काउंसिलर है, अब इनके जो है वहाँ पर बेटे काउंसिलर है और लगातार जो है आरएसएस का कार्यालय भी इनके वार्ड में मौजूद है। अब सवाल ये है कि आरएसएस से लड़ना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से आरएसएस से लड़ना सबसे ज़रूरी है क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी उनको लगातार बोलते रहते हैं, उनके खिलाफ आक्रामक रहते हैं और लगातार उनके बयानों में आरएसएस के खिलाफ जो है जो जिस तरह की नाराज़गी है वो नज़र ज़रूर आती रहती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।